हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन वी विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4th. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. लेट्स मेक अ फिगर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. वॉट वी हैव गिवन ओवर हियर इज वी हैव गिवन अ टावर ओवर हियर जिसका हाइट सपोज ए बी है. Let height of tower is represented by AB. Then यहां से 30 मीटर दूर एक पॉइंट है C. पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम टावर इज C. यानी कि A से लेके C तक का डिस्टेंस मिल गया है हमें 30 मीटर. अब यहाँ से हमें टावर के टॉप पर ऑब्जर्व करना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का. एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री. एंगल बनेगा BCA. एंगल BCA इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब हमें फाइंड करना है टावर का हाइट. देखो 30 के लिए ये एडजेसेंट है ये ऑपोजिट है तो हम लोग ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट का फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं. और ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी कि 10-30. सो बाय यूजिंग 10-30 विच इज लाइक ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट हम लोग हाइट जो है वो फाइंड कर सकते हैं. अब 10-30 यानी कि हो जाएगा 1/√3. ए बी हमको फाइंड करना है और ये हो गया 30 मीटर. इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले लो यानी कि ए बी हमारा हो जाएगा 30/√3. अब हम √3 से इसको कर देंगे रेशनलाइज. सो दैट विल बी लाइक 30/√3 और अपॉन में जाएगा √3/√3 यानी कि 3. नाउ फर्दर सॉल्विंग इट 30/3 ये हो जाएगा 10/√3. सो हमारे ए बी का लेंथ यानी कि हाइट ऑफ द टावर दैट इज 10/√3. क्लियर?